आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी हम आए हुए थे बाहर, कुछ चीज़ें चीज़ें लेने के लिए जा रहे हैं क्योंकि दूध ख़त्म हो गया था बच्चों का, सब्जियाँ वगैरह लेनी थी, तो मैंने कहा चलो अभी हम लेते हैं। अभी खाना भी लेना है घर में, तो मैंने सबको खाना शाना दे दिया, बच्चों ने भी खाना खा लिया, अम्मी ने भी खाना खा लिया, और बस अब हम दोनों रहेंगे। तो हम अपने लिए अभी शवारमा लेंगे एज यूजल। हमें जब कुछ समझ नहीं आता ना क्या खाएं, फिर हम शवारमा खाते। ये जी हमारे शवारमे बन रहे हैं। ये भाई आप पहचान गए हमें, है ना? ये वही दो हैं जो बार बार शवारमा खाते हैं। इधर जो है मैं गई थी दूध वगैरह लेने शॉप पे, क्योंकि बच्चों का जो दूध है वो ख़त्म हो गया हुआ था। मेरे बच्चे जो है वो प्रीमा ही पीते हैं, और काफ़ी टाइम से जो है वो प्रीमा ही पी रहे हैं, तो फिर ये मैंने जो है वो ले लेती होती हूँ। ये हमारा 3-4 दिन निकल जाता है तो मैं इकट्ठे ही ले लेती हूँ। और फिर इसके बाद जो है ब्रेड वगैरह भी ख़त्म हुई हुई थी, ब्रेड, अंडे, और मैंने सोचा कि बच्चों के लिए जो है वो ले लेती हूँ बर्गर बंस ले लेती हूँ जो है, क्योंकि अरशमान अक्सर रात को जो है वो बर्गर पैटी बीच में रख के ना वो खाना पसंद है उसको, तो वो भी ख़त्म हुए हुए थे। बस इसी तरह मैं देख रही थी, मैंने कहा कोई और चीज़ है, क्योंकि जब बंदा देखता है ना इधर उधर तो कुछ ना कुछ नज़र आ जाता है जो फिर याद नहीं होती बंदे को कि यार ये भी लेना था। तो मैंने कहा चलो वो मैं देख लेती हूँ। और यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी पीडियाश्योर, तो वो इधर नहीं था, वो था काउंटर पर ही, तो फिर मैंने काउंटर से जो है वो पीडियाश्योर ले लिया। ये जो है वो सिर्फ जावियर पीता है। और इसके बाद जो है मैं गई थोड़ी सी जो है वो सब्ज़ी फ्रूट वगैरह लेने के लिए, और इधर जो है मैं देख रही थी कि खुबानी हो, लेकिन वो अच्छी नहीं थी और थी भी बिल्कुल थोड़ी सी पड़ी हुई, क्योंकि अब शाम का टाइम हो गया हुआ था तो सब अच्छा फ्रूट जो है वो चला गया हुआ था। तो खैर मैं जब गाड़ी में हम घर आए तो देखा तो जनाब साहब पीछे सो गए हुए हैं। वो इतना क्यूट लग रहा था ना सोए हुए। चलिए भी सामान वगैरह मैं ले आई, ये थोड़ी सी सब्ज़ियाँ लेकर आई हूँ, छलियाँ हैं, और बाकी दूध वगैरह था वो मैंने फ्रिज में रख दिया, और ये रहे हमारे शवारमास, और अब हम खाते हैं। यहाँ पे जी है सुबह का टाइम, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि दिल जो है वो तो ऑफिस चले गए हुए थे, उनको तो मैंने नाश्ता वगैरह दे दिया हुआ था, और लेकिन यहाँ पे जो है अब मैं अपना नाश्ता बनाऊँगी और अम्मी को दूँगी चाय, क्योंकि अम्मी जो है वो सबसे पहले चाय पीती हैं और फिर थोड़ी देर बाद जो है वो नाश्ता करती हैं, तो यहाँ पर जो है मैं उनको चाय दे दूँगी। अच्छा यहाँ पे ना मैं अम्मी की चाय अलग कर लेती होती हूँ सबसे पहले, क्योंकि अम्मी को शुगर है ना, तो फिर मैं चीनी नहीं डालती, पहले अम्मी की चाय अलग करके उसके बाद मैं चाय में जो है ना बाकी जो चाय होती है उसके अंदर चीनी डालती हूँ। तो यहाँ पे जो है अम्मी को मैं चाय दे आऊँगी, और इसके बाद जो है मैं बना रही हूँ अपने लिए पराठा, परंतु क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना ज़रा पराठा शराठा खाऊँ और साथ में जो है ना ऑमलेट बनाऊँ, जो कि होता है मिर्चें और नमक वाला, पता नहीं शायद आप लोगों ने खाया है कभी या नहीं। तो खैर मैं जो है वो भी बनाऊँगी, ये भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले जो है वो मैं पराठा बना लेती हूँ। अच्छा मेरी आदत है, मैं ना साथ साथ सफाई भी करती रहती होती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा बुरा लगता है जब आटा जो है ना इस तरह बिखरा होता है। अब जाहिर है पराठा वगैरह बनाओ रोटी बनाओ तो फिर इस तरह तो होता ही है, लेकिन मेरी कोशिश होती है जितना मतलब बस बना लिया, लेकिन साथ साथ जो है ना मैं साफ़ करती रहती हूँ काउंटर, क्योंकि मुझे गंदा काउंटर बहुत बुरा लगता है। तो बस यहाँ पे जो है वो मेरा पराठा भी रेडी हो जाएगा। अच्छा आजकल समर वेकेशन है ना, तो कोई भी टाइम पे नाश्ता नहीं करता, हर किसी को जो है वो अपना नाश्ता अलग अलग टाइम पे चाहिए होता है। तो खैर अदील तो खैर ऑफिस चले गए हुए थे नाश्ता करके, लेकिन अरशमान जो है समर वेकेशन हैं तो वो थोड़ा सा लेट उठता है कभी, फिर पहले दूध पीता है, कभी मूड होता है तो पीता है, कभी नहीं होता तो फिर नाश्ता कर लेता है। तो इधर जो है ना सबके अलग अलग मूड के हिसाब से नाश्ते हो रहे होते हैं। तो ये है जी नमक मिर्च वाला अंडा, जो मतलब ऑमलेट टाइप
बन जाता है, इसमें सिर्फ नमक और लाल मिर्च जो होती है ना वो मैं डालती हूँ, और इसको जो है वो इस तरह तवे पे डाल के बना लेती हूँ, ज़रा देसी सा अंडा ये मुझे अच्छा लगता है कभी कभी ना पराठे के साथ। तो वैसे तो ज़्यादातर मैं शक्कर खाती हूँ पराठे में, लेकिन पराठे के साथ, लेकिन कभी कभी जो है ना जब अंडा खाने का दिल होता है, पता नहीं क्यों मेरा ना दिल नहीं कर रहा आजकल खाली अंडा खाने का ना, मुझे अजीब सी स्मेल आ रही है अंडों में से, पता नहीं क्या है, मतलब मुझे 2-3 दफ़ा मैंने खाया ना तो मुझे स्मेल सी आना शुरू हो गई थी, तो मैंने फिर छोड़ दिया खाना। चले जी, नाश्ता वगैरह हो गया था, तो आज मैं सोची थी मैं बना लूँ मैक्रोनीज़ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ अपनी कि मेरी क्या रेसिपी है मैक्रोनीज़ की। और यहाँ पे मैंने चिकन लिया बोनलेस, कितना आधा किलो होगा तकरीबन ये ना, तो बाकी बीच में जो कुछ छोटी छोटी बोटियाँ थी वो मैंने तो साइड पर कर ली थी, और जो बड़े बड़ी थोड़े से पीस थे उनको मैंने कट कर लिया था और थोड़ा छोटा कर लिया हुआ था, क्योंकि बड़े बड़े पीस आते हैं ना चिकन के तो वो अच्छे नहीं लगते मुँह में ना। तो खैर यहाँ पे मैं जो है वो चिकन अलग कर लूँगी जो छोटे छोटे होंगे, और जो बड़े हैं उनको कट करके साइड पे कर लूँगी और इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया क्योंकि हम जो है वो मैक्रोनीज़ को करेंगे बॉईल, और उसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल और नमक जो है वो 2 टेबल स्पून मैं नमक डालूँगी, क्योंकि मैंने जो है वो थोड़ी ज़्यादा मैक्रोनीज़ बनानी थी, मतलब एक पैकेट से थोड़ा सा ना ऊपर मैं डालती हूँ। वैसे तो हम 2 पैकेट्स मैक्रोनीज़ बनाते हैं, लेकिन जो है ना फिर मैंने कहा पड़ी रहती हैं तो ज़ाया जाती हैं, तो मैं आज जो है मैं थोड़ी बनाती हूँ ना। तो बस एक तरफ पानी बॉयल हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो मैं चिकन वॉश करके जो है ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको रख दिया था चूल्हे पे, और इसके अंदर मैंने डाली कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च और साथ में सोया सॉस 2 टेबल स्पून। अच्छा मैं ना अंदाज़े से ही सब कुछ डालती हूँ, मिर्च मसाले वगैरह ना मेरा कोई क्वांटिटी का हिसाब नहीं है, और बस इसके अंदर मैंने चिली सॉस डाली, वो भी मेरे ख्याल है 1/2 टेबल स्पून होगी, और जो है ना मतलब 1 टेबल स्पून होगी, और साथ में सिरका मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया, और फिर मैंने नमक डाला साथ में, और डाल दिया जो क्या कहते हैं कोरिएंडर पाउडर, धनिया सूखा धनिया जो होता है ना वो मैंने डाल दिया 1 चम्मच, और इसके बाद मैंने इसको ढक के रख दिया थोड़ी सी हल्की आंच पे ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। और फिर ये मैंने ले ली गाजर, इसको मैं जो है वो पील कर लूँगी अच्छे से, फिर इसको कट कर लूँगी, और इसको मतलब मैंने ना छोटे छोटे क्यूब्स में कट करना है। तो यहाँ पे साथ पानी भी बॉयल हो गया हुआ था, तो मैंने कहा मैं अब इसके अंदर मैक्रोनीज डाल देती हूँ ताकि एक तरफ जो है वो मैक्रोनीज बॉयल होती रहे, दूसरी तरफ चिकन जो है वो भी हमारा बॉयल हो जाएगा, मतलब हमने उसको फुली तकरीबन कुक करना है चिकन को ना। और यहाँ पे जो है मैं कट कर लूँगी वेजिटेबल्स, जो जो आप अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स ले सकते हैं, तो खैर मेरे बच्चों को तो वेजिटेबल्स इतनी पसंद है नहीं, लेकिन फिर भी मैं डालती हूँ, कोशिश करती हूँ कि वो खा लेना। तो वैसे तो मैं बिल्कुल छोटा छोटा करने की कोशिश करती हूँ ताकि उनके पता ही ना चले कि वेजिटेबल आ रही है मुँह में, लेकिन बड़े चलाक हैं उन्हें पता चल जाता है कि वेजिटेबल है मुँह में ना, ये गाजर आ गई है तो ये ग्रीन ग्रीन आ गई है मम्मा। तो खैर जो है ये मैं जो है अच्छे से कट कर लूँगी गाजर, और यहाँ पर मैं चिकन आपको दिखा रही हूँ कि चिकन भी जो है ना बस बस ऑलमोस्ट हो ही गया था, तो खैर इसको थोड़ा सा टाइम था मैंने रख दिया, और साथ इधर जो है दूसरी तरफ मैक्रोनीज़ वो भी डन होगी हुई थी, इसको भी मैंने जो है वो छान लिया। इसके बाद मैक्रोनीज़ के ऊपर जो है वो मैं ठंडा पानी जो है वो डाल दूंगी, ये तो तकरीबन सबको ही पता होगा कि जब ठंडा पानी डालते हो तो वो चिपकते नहीं है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, अगर हम ठंडा पानी ऊपर से डालेंगे ना तो फिर वो चिपकेंगी नहीं। तो बस यहाँ पे जो है मैंने शिमला मिर्च भी ले ली, 2 जो है वो छोटी छोटी मैंने शिमला मिर्च ली थी, और इनको भी जो है ना मैंने पहले लंबा लंबा कट किया, फिर मैं इनको छोटा छोटा क्यूब्स में कट कर लूँगी, और बिल्कुल छोटा छोटा करूँगी ताकि जो है ना पता ना चले किसी को मुंह में आ रही। मैं तो अक्सर जो है ना इसको ग्राइंड भी कर लेती होती हूँ, सब सब्जियों को ना फूड प्रोसेसर में डाल के ना अच्छे से चॉप कर लेती हूँ ताकि वो बिल्कुल छोटी छोटी हो जाएं और किसी को पता ही ना चले, पता ना चले मतलब कि बच्चों को पता ना चले, क्योंकि यार बच्चे जो है ना वो नहीं खाते, मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी सब्जियां नहीं खाते ना, वो ज़रा सी कुछ हो जाएंगी तो साइड पे कर देते हैं, तो मैं जो है ना उसमें कर लेती हूँ तो वो बिल्कुल बारीक हो जाती है ना, तो फिर बच्चों को पता ही नहीं चलता और वो खा जाते हैं ना आराम से, तो वो भी तरीका ठीक है ना। लेकिन आज मैंने कहा चलो आज जो है वो मैं खुद कट करती हूँ क्योंकि उसमें बहुत ही बारीक हो जाती है ना। तो बस मैंने एक कैबेज ले ली, इसको मैंने थोड़ा सा जो है वो हाफ में कट करके थोड़ी सी कैबेज भी मैंने कट कर ली, और 4 से 5 मैंने गार्लिक क्लोव्स ले लिए, इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया ग्रेटर से। और बस यहाँ पे मैंने पैन लिया, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला 2 टेबल स्पून,
और इसके अंदर मैंने डाल दिए गार्लिक। जब थोड़ा सा जो है वो कलर आएगा इसको, मतलब इतना ज़्यादा कलर नहीं, थोड़ा सा ही खुशबू आना शुरू होगी, तो फिर हमने इसके अंदर ये जो बॉयल किया हुआ था चिकन ये डाल देंगे और इसको थोड़ी देर जो है वो बस करेंगे कि थोड़ा सा इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए, थोड़ी देर पकाएंगे। इसके बाद जी मैं ये गाजर डाल दूंगी बीच में। सबसे पहले जो मैं गाजर डालती होती हूँ ताकि जो है ये थोड़ी सी सख्त होती है, इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो सबसे पहले मैं गाजर डाल देती होती हूँ, फिर इसको थोड़ा सा मतलब 2-3 मिनट के लिए जो है हम इसको स्टर फ्राई कर लेंगे ताकि थोड़ी सी ये गल जाए। उसके बाद साथ ही हम इसमें शिमला मिर्च और कैबेज जो है वो भी डाल देंगे और इसको हमने इतना ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ी सी देर बस इसको हम थोड़ा सा ऐसे स्टर फ्राई करेंगे। और ये साथ ही करते हुए हमने इसके अंदर डाल देना है सिरका 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ही सोया सॉस। और इसके बाद जो है हम डाल देंगे काली मिर्च, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने भी अंदाजे से ही बिल्कुल डाली थी, गार्लिक पाउडर था मेरे पास, मैंने थोड़ा सा ये भी डाल दिया, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी आ जाती है। और बस इसको मैं थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊँगी। और यहाँ पे मैं नमक डालना भूल गई थी, तो मैंने कहा चलो नमक भी डाल देते हैं। यहाँ पे भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने डाली केचप, और केचप डाल के मैं इसको मिक्स कर लूँगी। हमने ज़्यादा देर पकाना नहीं है केचप को, बस थोड़ी सी देर ही पकाएंगे, इतनी कि ये बस मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। और जब ये मिक्स हो जाएगी, और साथ ही हमने जो है वो थोड़ी सी मेयोनीज़ भी डाल देनी है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो डाल लें, अगर नहीं पसंद आपको तो आप मत डालें, लेकिन मैं जो है वो डालती हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। बस इसके बाद हमने ये बॉयल मैक्रोनीज जो है वो इसके अंदर डाल देनी है मिक्सचर के अंदर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये बिल्कुल जो है वो सही से मिक्स हो जाए। और ये साथ ही मैंने जो है वो ओरिगेनो ये थोड़ा सा ऊपर में डाल देती होती हूँ, इससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, ऐसा लगता है जैसे पिज्जे का टेस्ट है। तो बस इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए दम देंगे, और दम करने के बाद ये होगी हमारी मैक्रोनीज रेडी। और मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ ये कैसी बनी है। वैसे मैं कोई प्रोफेशनल कुक तो हूँ नहीं, मुझे बिल्कुल जो है वो कुकिंग ज़्यादा आती नहीं है, बस यही थोड़ी बहुत ही चीज़ें मैं बना लेती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो बस ये जी हमारी मैक्रोनी हो गई रेडी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना मेरी रेसिपी के साथ, और ज़रूर मुझे जो है आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे टैग कर सकते हैं जब आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। और आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।